इस वक्त की बड़ी तस्वीरें हैं कोचा दामन से, जहां एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके बाद जो है ग्रामीणों ने चक्का जाम किया हुआ है। वहीं जिला पार्षद साजद कौसर से हमने बड़ी जानकारी ली तस्वीरों पर, आप देख चलते सीधे आपको तस्वीरों पर। यहां रात को एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, ये प्लांट के सामने रोड पर जो कुचला हुआ लाश हम लोगों को सवेरे मिला, जो पहचाना नहीं जा रहा था। पहले तो हम लोग को मालूम नहीं हुआ कि कौन एक्सीडेंट किया है, और बाद को मालूम हुआ कि हमारे सुंदर भाई का एक भाई जिसका नाम मंजर था वो एक्सीडेंट में मारा गया, और बिल्कुल प्लांट के सामने, ये जो प्लांट के सामने जो सीसीटीवी कैमरा है बिल्कुल रोड पर। और उसी वक्त से हम लोग को शक है कि उनको प्लांट का गाड़ी ही कुचला है। यहाँ का जो हैवट है, जो हैवट जो गिट्टी उट्टी ले जाता है, वही गाड़ी जो है उसको कुचला है, उसको मारा है, और यहाँ पर ये लोग तमाशा कर रहा है। सीसीटीवी कैमरा को जो दिखा रहा है तो उसके साथ भी नौटंकी कर रहा है, गलत उसको जो है दिखा करके वो लोग जो बचना चाह रहा है, लेकिन बचेगा नहीं। अच्छा, पुलिस प्रशासन आपके साथ है, पुलिस बैठी हुई है, सीसीटीवी फुटेज चेक हो रहा है। पुलिस बैठी हुई है, क्या कर रही है पुलिस हम तो अभी उसमें ज्यादा नहीं कहेंगे। प्रशासन को तो बिल्कुल साथ देना चाहिए, पब्लिक के साथ दुर्घटना हुई है, गरीब मारा गया है, तो प्रशासन को तो गरीब का साथ देना चाहिए। पब्लिक के साथ दुर्घटना हुई है, और हमको उम्मीद है कि प्रशासन स्वेच्छा से बिल्कुल है ना उसको साथ देगी और पब्लिक को ही न्याय दिलाने का काम करेगी प्रशासन, हमको उम्मीद है। क्या हुआ सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए आप गए हुए थे तनवीर साहब, अंदर क्या हुआ? शुरू से बैठे हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैंने इनको कहा, सुबह में ही कहा, जब ये दुर्घटना के करीब 7:30 बजे मैंने कहा कि फुटेज सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, बहाना बना करके टाल दिए। तब तक हम लोग परिवारिक उलझे हुए थे। उसके बाद फिर हमसे हम वापस दोबारा अभी आए 1-2 घंटा पहले यहाँ पर आकर के बैठे, फुटेज मांगा, इन लोगों ने फुटेज देने के लिए मना किया, दिखाने के लिए मना किया। फिर मैंने दबाव बनाया, फिर विधायक जी से ही बात करवाया, तो उन्होंने बोले कि हाँ दिखवाइए, तब देखने चालू किया। लेकिन इनका जो मेन यहाँ पर वॉचमैन है, गेटमैन है, उनका स्टेटमेंट है कि 2 बजे मैं गेट पर गया था, तो गेटमैन जो मेरा गेट में जो रहते हैं वो सोया हुआ था, लेकिन मैं उनको उठा करके आया, जगा करके आया कि आप गेट वॉच करिए। जब उन्होंने वॉच करने के लिए कहा 2 बजे, उसके बाद वो रेगुलर वॉच कर रहे हैं, उसी बीच 2 से 3-4 के बीच में घटना हुई है, तो क्या वॉचमैन को पता नहीं चलेगा? इत्तफाक तो हो नहीं सकती है। ये सारा चीज इन लोग को पता है, एक्सीडेंट इन लोग के गाड़ी से हुई है। इन लोग एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर इस मामले को दबा करके हम लोग को गुमराह किया, और ये एक प्लांट है यहाँ पर, ये लोग बाहर से ठेकेदारी करने आए हैं, रोड बना रहे हैं, हम लोग भी जानते हैं, ये अपनी बिजनेस करने आए हैं, किसी पर मेहरबानी नहीं करने आए हैं। अब हम लोगों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है, और पुलिस प्रशासन भी आई हुई है यहाँ पर, पुलिस प्रशासन खुद देखे, वो खुद भी पुलिस प्रशासन खुद बोल रहे हैं कि ये आखिर मामला ऐसा हुआ तो वो फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे जी। तो अभी आपने सही सारे सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करवा रहे थे, इससे पहले हमने भी अंदर गया तो एक कैमरा जो मेन लोकेशन आता है वो लोकेशन दिखा नहीं रहा, कोई और लोकेशन का फुटेज दिखा रहा था आपको, फिर कैसे मान लिया? आपको मैंने बता भी दिया कि लोग एक मनगढ़ंत कहानी बना करके मामले को दबा रहे हैं, हमारे साथ ये सही फुटेज को नहीं दिखा रहा। जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? जिला प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा, हमारे किशनगंज के CO से कहना चाहूँगा, हम DM से कहना चाहूँगा कि एक गरीब मारा गया है, उसको न्याय मिलना चाहिए, और ये सरासर इसी प्लांट का काम है, इसी प्लांट की गाड़ी ने उसको कुचला है जिसका जो है एक्सीडेंट में डेथ हुआ है, और इसलिए प्रशासन इस पर ध्यान दे, और पब्लिक यहाँ की पब्लिक बिफरी हुई है, और वो हो सकता है कि कुछ भी कदम उठाए। चलिए ठीक। और जब मैंने दर्पण से बात करवाया इनके स्टाफ ने, तो दर्पण यहाँ का कोई मैनेजर है, उनके बात में इतना तेवर था, इतना तानाशाही था कि वो बोले कि आप प्रोसेस से आइए, जाके DM साहब को फोन कीजिए और फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर आए हैं आप लोग प्लांट को आग लगाने के लिए, जबकि सारे ग्रामीण मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं, एक भी आदमी आकर के कोई अभद्र भाषा या कोई ऐसी बदतमीजी भी नहीं किए हैं। वो लोग ने हम लोग पर इल्जाम लगाने का मतलब वार्निंग आपको दे दिया पहले ही।